इस वक्त मौजूद हूँ शंभू टोल नाके पर और मेरे पीछे जो नाका है यही पंजाब और हरियाणा को सेपरेट करता है एक दूसरे से। हम सुबह लगभग 6 बजे नई दिल्ली से रवाना हुए थे। हमें कम से कम 8 से 9 घंटे लग चुके हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन चूंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जाहिर सी बात है तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि पंजाब की ओर से जितने भी किसान हैं जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स लेकर मौजूद हैं, कि अब उनको यहाँ से एंट्री ना मिले, यहाँ से वो दिल्ली की ओर कूच ना कर सके। मेरे पीछे अगर आप देखें जिस तरह की इस वक्त सिक्योरिटी की माहौल है, इस नाके से आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है एक्सेप्ट फॉर जो ऑथराइज्ड व्हीकल्स हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, एम्बुलेंसेस हैं। मीडिया के कर्मी यहीं तक अलाउड हैं जहां तक हरियाणा के साइड का सवाल है, और इस साइड में इंटरनेट डेटा भी काम नहीं कर रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। यहां से आगे अब अगर पंजाब की तरफ से मुझे एंटर करना हो ताकि मैं किसानों से बात कर सकूं, यानी कि नाके के दूसरी तरफ, तो उसके लिए मुझे घंटा भर का जो रास्ता है वो अब और लेकर आगे बढ़ना होगा। और वहाँ उम्मीद करती हूँ कि वहाँ जो है इंटरनेट कनेक्शन जब जारी हो तो उसके बाद इस वक्त जो ये वीडियो मैं दिन के वक्त यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ वो अपलोड कर सकूँ मैं अपने यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। फिलहाल लगातार फार्मर्स पर खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से उनके लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे उनको इंजरीज हुई है। और निश्चित रूप से जो किसान नेता अब तक चुप्पी साधे हुए थे या समर्थन नहीं दे रहे थे, जो किसान नेता 2020-21 में फोरफ्रंट में शामिल थे, अब वो भी मजबूर हो जाएंगे इस तरह की सिक्योरिटी क्रैकडाउन के बाद में कि आखिरकार वो इस अब प्रोटेस्ट को जो है अपना समर्थन दे सकें। तो हरियाणा वाले साइड के शंभू नाके से जब हम निकले हैं 45 मिनट से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। कई जगहों से, क्योंकि मेन रोड्स ब्लॉक्ड हैं, हाईवेज ब्लॉक्ड हैं, और लोगों से पूछ के बैरिकेड्स तो जगह जगह लगाई गई हैं। अब एक खेत खलिहान के रास्ते से हमारी कोशिश है कि हम जो पंजाब साइड वाला जो रास्ता है, और इसकी विजुअल्स आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो उबड़ खाबड़ जमीन है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये ये छोटी छोटी पगडंडियां हैं गाँव की और खेत खलिहानों के बीच में से यहाँ सर कुछ लोगों की मदद लेकर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पंजाब वाले साइड से हम घुसकर देखें कि वहाँ पर जो किसान हैं जिन पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उन पे पैलेट्स मारे गए हैं, उनकी इस वक्त हालत क्या बनी हुई है। I'm at Shambhu Border, where in fact farmers from Punjab, thousands in numbers, they have mobilized here to march forward to Delhi. But they have been stopped on the Haryana side of the border, on the other side of this toll plaza. Right behind me, you can see very heavy security presence of the Punjab police. And there's a constant noise that is coming in because relentless tear gas shelling is happening on the agitators here. We have seen several people who have been injured. They have been given some initial medical treatment, and then of course through all these ambulances they are being rushed to the nearby hospitals as well. But the farmers are very, very determined. They don't want to in fact back down at this point in time. They say that in 2020-2021, when those protests ensured that the government here in India had to repeal the contentious 3 farm laws. There were several assurances given to them, but none have been implemented. And if you listen to all the noise behind me, there is much sloganeering that is happening. Of course, speeches are being made by the farmer leaders. These are not the same leaders who were initiating those, in fact, protests in 2020-21. But a lot of tear gas shelling as well as some pellets being fired reportedly to try and disperse these agitators. क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत जी, आपको कब चोट लगी और कैसे चोट लगी? अभी 5-10 मिनट हुए। किस चीज से चोट लगी? बम फटे पैर के। जो ना ये बम मारते ने ना वो चीज है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਹਵਾ ਸੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲ ਮਾਰ ਰਹੇ हैं। इससे मैम करा रहे ना, जो ड्रोन से करा रहे हैं, ड्रोन से इसकी पैर के ऊपर गिर गया। ये आंसू वाला, और दूसरा गिरा हरियाणा पुलिस चला रही जो वो चलिया। आप क्यों प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं? सानू साडा हक देन, हक के लिए। हां हक इथे लेके देन, इथों वापस चल जाएंगे, नहीं तो फिर अहीं दिल्ली तो जाना भाएं अपने बड़े जाइए तो भाएं। आप अंदर कहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे? बॉर्डर के पास ही, वो ब्रिज के ऊपर है जो हरियाणा के पास वाली एरिया में, ब्रिज के ऊपर है जिथे बैरिकेड लगे ना पत्थर वाले, ओते नाल ही पास में नजदीक गए इसके। और ये आपका जो बैंडेड लगाया है ये कहाँ पे लगाया है? अभी ट्रीटमेंट हुआ, अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, जा रहे हैं हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ओके, सो देयर आर एरियल इन फैक्ट टीयर गैस शेल्स दैट हैव बीन लॉब्ड एट पीपल टू डिस्पर्स क्राउड्स। सो दिस यंग मैन हियर सेज ही इज फाइटिंग फॉर हिज राइट्स। He has managed to get a crepe bandage at the moment and now he's been taken to the hospital. आपने देखा कि किस तरीके से शंभू बॉर्डर में जो हरियाणा की तरफ है वहां से किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, भारी सुरक्षा वहां तैनात है। ये पंजाब वाला साइड का बॉर्डर है, वो एरिया के बीच में एक टोल नाके के बाद में एक पुलिया आती है, नदी है, और उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ किसानों की भीड़ उमड़ रही है, प्रदर्शन कर रही है लगातार। और ये बात तय है कि ये आंदोलन जल्द खत्म नहीं होने वाला है। किसानों की मांग वो कोई नई मांग नहीं है, वो पुरानी मांगे हैं। एमएसपी की गारंटी को लेकर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, और उसमें हमने खुद उनकी बेटी का भी हाल का बयान देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों को आप अपराधियों की तरह ट्रीट ना करें। मैं यहाँ पर कई घंटों के बाद जब पहुँची हूँ शंभू बॉर्डर में, यहाँ रह रहकर बहुत ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, वो आवाज़ें आंसू गैस के गोले हैं जो दागे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि इस पूरे के पूरे क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। लेकिन जो सबसे शायद दुखदायक बात है कि ये अपने लोग हैं, ये भारत के ही लोग हैं, और भारतीयों के खिलाफ अगर बातचीत का रास्ता अपनाने की जगह लगातार इस तरीके से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाए या हैवी क्रैकडाउन किया जाए, इन किसानों को कह दिया जाए कि भई आप राजधानी तक, आप दिल्ली तक मार्च नहीं कर सकते हैं और वहां जाकर अपनी बातों को नहीं रख सकते, क्या ये सरकार के लिए मुमकिन नहीं कि इन किसानों को दिल्ली तक आने दें? और जिस तरीके से अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, इन्हें कहे कि आप रामलीला मैदान में आप बैठे, आप किसी और मैदान में आप जगह दें, यहाँ रोकने के लिए जो मल्टी लेयर सिक्योरिटीज लगाई जा रही हैं। पीछे शंभू बॉर्डर पर हम जितनी देर तक थे लगातार वहाँ पर एम्बुलेंस की सायरन्स आ रही थी, पुलिस की गाड़ियों की सायरन्स आ रही थी। कई ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, उनमें से कुछ हैं जो कह रहे हैं कि रबर पैलेट्स का भी इस्तेमाल हुआ है, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। ये देखिए एक और एम्बुलेंस अभी अभी गुजरा है। तो यहाँ इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद इन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, लेकिन जो ट्रकों की कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक 2020 और 21 में अगर आप याद करें, सिंघू बॉर्डर में किलोमीटर दूर लंबी ट्रकों की कतारें नज़र आ रही थी, और अब शंभू बॉर्डर में जिस तरीके से ये ट्रकें हैं। लेकिन यहाँ कुछ देर पहले चंडीगढ़ में जो बैठकें हुई हैं, काफ़ी सारे ऐसे किसान यूनियंस के जो कि इस वक्त बेसिकली इसके आयोजन के पीछे ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने कहा है कि लोग अपने अपने एंड से कूच करने की कोशिश करेंगे दिल्ली से। वो लोग अभी भी जो है अपनी प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भले ही सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए जा रहे हों, कंक्रीट वायर्स, आयरन मेश लगाए जा रहे हों, लेकिन यहाँ तमाम ऐसे किसान ज़रूर हैं जिनको लगता है कि सरकार ने जिन बातों का आश्वासन दिया था जब उन फार्मर्स बिल को, फार्मिंग बिल्स को जो है वापस लिया गया था तमाम प्रदर्शन के बाद में, सरकार ने उन बातों पर अमल नहीं किया है और वो आश्वासन खोखली थी। फिलहाल यहाँ मैं जहाँ तक देख रही हूँ काफ़ी लंबी कतार नज़र आ रही है मुझे ट्रकों की, लोगों की जो आ रहे हैं और जिनका कहना है कि ये आंदोलन इनका जारी रहेगा। गुरदयाल सिंह जी, आपको कैसे चोट लगी और आप क्यों जुड़े हैं इस प्रदर्शन में? जुड़े तो हैं, दिल्ली ने जो वादा किया था मोदी ने वो मुकर गया है, उसके लिए दोबारा फिर आना पड़ा। तो उसे खड़े थे अगे, फिर बंब मारी जाते, इन्होंने मारा। ये क्या वो टियर गैस की शेल्स के प्लास्टिक फाइबर है, श्रापनेल है? जी सर। भैया क्या हुआ? वहाँ पे पानी लेके जा रहा था, हमारे भाई बैठे हैं वहाँ पे, उनको पानी पिलाना था तो उन्होंने बोला कि पीछे आओ। हम सभी पीछे आ रहे थे, एकदम फायरिंग कर दी और यहाँ मारी और हाँ गोली मारी, वो छोट सीधे सीधे यहाँ बजी वो आके। वो इतने बड़े बड़े जो बम्प गिर रहे हैं गैस वाले वो अलग से हैं, ये अत्याचार कर रहे हैं, ये तशद्दद है और क्या है। ये सरकार नूं इहो जी हरकत नहीं करनी चाहिए, जिहड़ी गल है सीधी पहला बह के गल निबेड़नी चाहिए है, ना कि ये काम करने चाहिए। मेरा तो कोई होर भी बड़े वीर जिहड़े अगे जख्मी होए पे है, जिन्हां दे खून चल रहा है, सरकार नूं ये देख के खुशी मिल रही है कि सरकार को बैठ के मसला सुलझाना चाहिए ना, जो वादे किए हुए वो भी पूरे करने चाहिए ना, ऐसे काम थोड़ी ना करने चाहिए। तो इसमें तो लोग सेफ ही नहीं है। आज हम अपने भाइयों के साथ यहाँ अपने हकों के लिए खड़े हैं, जो सरकार नहीं सुन रही, अब इग्नोर कर रही है। क्यों कर रही है? उस दिन तो बड़ा लिख के दे रही थी, आज कहाँ चले गए? दो 2020-21 में जब किसानों का आंदोलन हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ी बात थी और वो मजबूती मिली औरतों की मौजूदगी से। औरतें रीढ़ का हड्डी बनी हुई थी उस आंदोलन के लिए। अब यहाँ शंभू बॉर्डर पर भी काफ़ी औरतें आने लगी हैं, जैसे जैसे ट्रकों की संख्या बढ़ रही है। कुछ महिलाएं इस वक्त मेरे साथ हैं। आप सभी ये बताइए कि आज की तारीख में आप लोगों ने 1 साल तक उस वक्त भी प्रदर्शन किया, वापस लौटने को क्यों मजबूर हुए हैं आज सड़कों पर? ज़्यादा असीं उत्थों उठ के आए सी, सानूं गारंटी उन्होंने दी सी भी तुसीं जाओ तुहाडी MSP ते गारंटी देवांगे असीं, सानूं उन्होंने नहीं दी। 1.5 साल हो गया, रोज़ मीटिंग सेंटर सरकार नाल रोज़ मीटिंग होंदी है, कोई चिट्टा नहीं निकलता, बेचिट्टा मीटिंगां निकलदियां ने, इसलिए सानूं मजबूर करता सेंटर सरकार भी, दोबारा सानूं दिल्ली जाना ही पिया। पर इस बार आपको लगता है, क्योंकि उस वक्त तो आप लोग कम से कम सिंघू बॉर्डर पर जाकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इस बार शंभू बॉर्डर पर आप लोगों को जिस तरीके से रोका गया है, यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार ने अपनी पोजीशन को और हार्ड कर लिया है कि वो नहीं मानेगी, नहीं झुकेगी? झुकूगी जी, झुकना पैना उन्होंने, ये सरकार नूं झुकना पैना, सानूं अगे कड्ढना पैना जी उन्होंने। सानूं क्या, सानूं तो लिखती रूप च दे देवे, उरे दे देवे, असीं तो उरों अपनी ट्रालियां चक के वापस चले जावांगे जी, पर सानूं गारंटी नाल देण जी ये भी MSP थोड़ी ते लागू करती, थोनू अपनी जिहड़ियां मंगां सीगियां ओह पूरियां करतियां जी, बिल्कुल। तो यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ से आगे आप लोग दिल्ली की ओर बढ़ पाएंगी, जिस तरीके से सुरक्षा के चेक पोस्ट को बनाया गया है? बिल्कुल जी, पहला भी बढ़े तो हुण भी बढ़ेंगे जी, अगे तो जाएंगे जी, जे साडियां मंगां अगे जाके मिलणगीआं तो अगे जावेंगे जी, उरे नहीं रुकदे हैगे। जे साडे आगू सानूं हुण कह देण, असीं हुण तैयार हां जी ओहदे बैरीकेड पट्टण नूं। हरियाणा की ओर से जो शंभू बॉर्डर में इलाके में जहां पर जिस तरीके से बैरिकेड सेट की गई हैं, आज बड़ी एक दिलचस्प खबर भी आई कि किस तरीके से, चूंकि वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं टियर गैस शेलिंग के लिए, आंसू गैस डालने के लिए, तो यहाँ पतंगों का इस्तेमाल किया गया उसे रोकने के लिए। ये आइडिया कैसे आया और पतंगों से कैसे रोका आप लोगों ने आंसू गैस के गोले? ये साडा ना जिहड़ा जट हुंदे ने ना जगाड़ी हुंदे ने, असीं देसी इलाज करके असीं डोरा नाल खिच लिया, असीं घेर लिया जी, आ 10 मिनट होए ने हुणे घेर के हटे जी। हुण जे असीं सानूं साडे आगूआं ने रोकिया होया सी जी, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के लिए तो खैर भारत में पूरी तरीके से जो है हमारी एक इंप्रेशन है ही। आप एक आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि अगर चले दिल्ली तक कुछ करेंगे, मैं दिल्ली तक कूच करांगा जी, असी सब किला कुला तोड़ के सी असी आर पार कर जावांगे। चले, औरतों ने कह दिया है कि वो झुकने वाली नहीं है और वो आगे भी जो है तमाम ऐसे कदम उठाती रहेंगी, अगर उनको रोकने की कोशिश हो तो वो इन बाधाओं को तोड़कर दिल्ली जाएंगी, अपनी आवाज़ उठाएंगी और किसानों की मांगों को सामने रखेंगी। सही है गलत है इसको लेकर डिबेट अलग हो सकता है, लेकिन अपने ही लोगों को, अपने ही देशवासियों को आप राजधानी में घुसने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, ये सही कैसे हो सकता है? शंभू बॉर्डर में मैं स्मिता शर्मा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।